गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग देख रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी। हम लोग देख रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग देख रहे थे इसमें सिलेबस। तो यहाँ तक सिलेबस हम लोग देख लिए थे फिजिकल ज्योग्राफी। देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी, ठीक है, ये ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के अंडर हम लोग सिलेबस जब देख रहे थे, एक पार्ट था फिजिकल, जिसे कहते हैं भौतिक, और दूसरा था ह्यूमन, जिसे कहते हैं मानव भूगोल, ठीक है। ये हो गया भौतिक भूगोल, दूसरा हो गया, दूसरा इसका पक्ष है मानव भूगोल। इसमें हम लोग फिजिकल में देख लिए थे, क्या क्या देखे थे इसके अंदर। हम लोग चार पार्ट देखे थे इसके अंदर, हम लोग देखे थे चार पार्ट। इसके अंदर चार पार्ट कौन कौन है? भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, दूसरा समुद्र विज्ञान, तीसरा जलवायु विज्ञान, और चौथा जैव जैव भूगोल, ठीक है, दूसरा जैव भूगोल। अब यहाँ देखिए, पहला भू आकृति विज्ञान, ठीक है, पहला भू आकृति विज्ञान, दूसरा जलवायु विज्ञान, तीसरा समुद्र विज्ञान, और चौथा हो गया जैव भूगोल। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम लोग चार चीज़ देखेंगे, ठीक है, चार चीज़ में देख लेंगे। और फिर एक साथ है हम लोग मानव भूगोल, ये है मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंदर में हम लोग देखेंगे छह चीज़, ठीक है, कौन कौन सा है? आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, दूसरा संसाधन भूगोल, तीसरा संसाधन भूगोल, इसमें भूगोल भूगोल, ठीक है, कृषि भूगोल, नगरीय भूगोल, फिर नगर है तो फिर बस्ती भी होगा, बस्ती भूगोल, और जब नगर और बस्ती होगा तो यहाँ पे संस्कृति होगा, तो सांस्कृतिक भूगोल। इसमें सब सिलेबस देख पा रहे होंगे, ठीक है। पहले ज्योग्राफी को दो भाग डिवाइड किए हैं, कौन कौन से? फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें कहते हैं हम लोग भौतिक भूगोल, दूसरे कहते हैं मानव भूगोल, ठीक है। तो भौतिक भूगोल के अंडर हम लोग पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान, तीसरा समुद्र विज्ञान, और चौथा जैव भूगोल। ये रहा फिजिकल के अंडर, मतलब ये भौतिक भूगोल के अंडर हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार चीज़। फिर नेक्स्ट देखते हैं मानव भूगोल, मानव भूगोल के अंडर हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो मानव भूगोल के अंदर हम लोग देखेंगे छह चीज़ें, कौन कौन से हैं? आर्थिक भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, नगरीय भूगोल, बस्ती भूगोल, और सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है। ये रहा छह चीज़ इसके रहे मानव भूगोल के, और चार रहे हमारे भौतिक भूगोल का, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट कर किए हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग फिजिकल स्टार्ट ही करेंगे, ठीक है, फिजिकल चलेगा हम लोग का। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, भौतिक भूगोल लोग इसे ले चलेंगे, ठीक है। अब भौतिक भूगोल में हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखिए इसमें चार हैं, तो भू आकृति विज्ञान, जलवायु, समुद्र विज्ञान, और जैव भूगोल, ठीक है। इसमें से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग समुद्र विज्ञान, ठीक है, पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग समुद्र विज्ञान। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं समुद्र विज्ञान, जिसे कहते हैं हम लोग ओसनोग्राफी, जिसे कहते हैं हम लोग ओसनोग्राफी, ठीक है।
समुद्र विज्ञान से कहते हम लोग ओसिनोग्राफी। देखिए ओसिनोग्राफी ओसन, ठीक है, ओसन मतलब क्या होता है, समुद्र या महासागर, ठीक है। ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी, पढ़ना, ठीक है। मतलब ओसिनोग्राफी मतलब इसका सामान्य अर्थ में ये हुआ, ठीक है, इसका सामान्य अर्थ ये हुआ, समुद्र या महासागर, महासागर, ठीक है, महासागरों का विस्तृत अध्ययन करना है समुद्र विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यह समझने में कोई दिक्कत नहीं। महासागरों का विस्तृत अध्ययन करना, ठीक है, विस्तृत अध्ययन करना समुद्र विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं जो समुद्र है, जो महासागर है, वो महासागर 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 देखते हैं, महासागर मुख्यतः पांच कौन है, कितने, पांच है। देखिए पांच कौन 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 से हैं, प्रशांत महासागर जिसे कहते हैं पैसिफिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, और पांचवा है दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो कितना हो गया, मुख्यतः पांच है, ये इंग्लिश में अटलांटिक, हिंदी इंग्लिश दोनों में अटलांटिक होता है, ठीक है, हिंद महासागर इसे कहेंगे हम लोग, इंडियन ओशन इसके नाम आर्कटिक वैसे ही रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों आर्कटिक होता है। आई सदर्न ओशन, ठीक है, दक्षिणी महासागर। तो मुख्यतः पांच महासागर हैं, मैं अभी महासागर में डिटेल में नहीं बताऊंगा अभी कि कौन महासागर क्या है, ठीक है। आप अभी क्लास जो चल रहा है, एक वीक से पहले क्लास जो चल रहा है, उसमें हमारा चल रहा है वर्ल्ड मैपिंग का, तो वर्ल्ड मैपिंग में आप देख पाएंगे, उसमें मैं बताया हूँ कि महासागर जो है कहाँ कहाँ उसका पोजीशन है, और इनका पैसिफिक जो स्पेसिफिकेशन है जो है इनका बारे में बताया गया है, तो वर्ल्ड मैप में आप वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे वहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखिए ओशनोग्राफी में इसमें हम लोग पढ़ेंगे महासागर विज्ञान में, समुद्र विज्ञान में, तो इसमें जो टॉपिक की बात करें तो टॉपिक इसमें हम लोग सात आठ टॉपिक पढ़ेंगे, सात आठ टॉपिक है, ठीक है। अब देखते हैं पहला टॉपिक कौन है, पहला है महासागरीय जलधारा, दूसरा महासागरीय जल की लवणता, तीसरा महासागरीय संसाधन, चौथा महासागरीय निक्षेप, पांचवा ज्वार भाटा,
सिक्स नंबर पे प्रवाल तथा प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति। सेवन नंबर पे महासागरीय प्रदूषण, महासागरीय प्रदूषण तथा तर में परिवर्तन, परिवर्तन। इस चैप्टर के अंदर मतलब इस महासमुद्र विज्ञान के अंदर हम लोग 60 चीज पढ़ेंगे, इसमें 60 टॉपिक हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे समुद्र विज्ञान में, पहले जो बताएं महासागरीय जलधारा, महासागरीय जलधारा। इसे कहते हैं इंग्लिश में ओशन करंट, ठीक है, जैसे कहते हैं ओशन करंट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे महासागरीय जलधारा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग कि महासागरीय जलधारा है क्या, इसका तात्पर्य, तात्पर्य। सबसे पहले इसका तात्पर्य हम लोग देखेंगे कि इसका महासागरीय जलधारा है क्या, ठीक है, ओशन करंट है क्या है। उसके बाद देखेंगे महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति, महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति, महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति कैसे होती है। तीसरी पॉइंट देखेंगे हम लोग इसके प्रकार, महासागरीय जलधारा के प्रकार, ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग महासागरीय जलधारा के प्रकार। महासागरीय जलधारा की दिशा में परिवर्तन, प्रमुख महासागरों में, प्रमुख महासागरों में जलधारा, प्रमुख सागर जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर, ठीक है, तीनों में देखेंगे यहाँ पे, तीनों महासागर में प्रमुख जलधाराएं, प्रमुख जलधाराएं। फिर इसको देखेंगे इसका प्रभाव, नेक्स्ट इसका निष्कर्ष। अब लोग दे रहे हैं महासागरीय जलधारा, महासागरीय जलधारा। इसे हम जब तोड़ेंगे, इसे हम जब तोड़ेंगे तो क्या जाएगा, महासागर, ठीक है, महासागरीय, और दूसरा आएगा जलधारा, ठीक है। चलिए इसे हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा महासागरीय और ये जलधारा। महासागरीय कहने का मतलब है विशाल जलराशि, इसका कहने का मतलब है विशाल जलराशि, ठीक है, महासागरीय कहने का मतलब है विशाल जलराशि, और जलधारा मंत्र कहने का मतलब है क्षितिज प्रवाह, ठीक है। देखिए महासागरीय जलधारा, इसे हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा महासागरीय जलधारा। महासागरीय कहने का मतलब है विशाल जलराशि, विशाल जलराशि, और जलधारा मतलब कहने का मतलब है क्षितिज प्रवाह, जलधारा मतलब क्षितिज प्रवाह। महासागरीय जल का प्रवाह दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है, महासागरीय
जल का प्रवाह, महासागरीय जल का प्रवाह जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है क्षितिज, एक दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर। एक होता है क्षितिज प्रवाह और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, महासागरीय जल का जो प्रवाह होता है दो प्रकार का होता है, क्षितिज प्रवाह और ऊर्ध्वाधर प्रवाह। क्षितिज प्रवाह होता है एक कोने से दूसरे कोने तक प्रवाह। क्षितिज प्रवाह कहने का मतलब है एक कोना से दूसरे कोने तक प्रवाह। जैसे सपोज दैट यह एक कोना है, यहाँ दूसरा है, तो एक कोने से दूसरे कोने तक प्रवाह होना यह मतलब होता है क्षितिज प्रवाह। ठीक है, अब देखिए ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब है ऊर्ध्वाधर दो टाइप का होता है, ऊर्ध्वाधर जो होता है दो टाइप का होता है। दो कौन कौन होते हैं, एक होता है नीचे की ओर जाना, नीचे की ओर जाना, और दूसरा है ऊपर की ओर जाना। तो इसमें देखिए ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर नीचे होता है। ठीक है, और क्षितिज कहने मतलब है ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक कोने से दूसरे कोने तक, एक कोने से दूसरे कोने तक।